कोरोना के 15 नए मरीज और मिले। जिलाधिकारी आगरा ने रिपोर्ट की पुष्टि की। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 404। जिलाधिकारी आगरा ने रिपोर्ट की पुष्टि की। बड़ी खबर लखनऊ से, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर फैसला। बड़ी खबर लखनऊ से पहुंचा रहे आप तक। यूपी में एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश आएगा। लॉकडाउन तोड़ने थूकने वालों पर सख्ती होगी। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर फैसला। डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिस पर हमला भारी। अध्यादेश में 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देगा नया एक्ट। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी देखिए, एक बड़ा फैसला है सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर। यूपी में अब एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश आएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए योगी सरकार ने आज जो बैठक की है अपने अफसरों के साथ, उसमें उत्तर प्रदेश एकेडमिक संशोधन अध्यादेश लाया है और उसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, जो लोग इनके ऊपर थूकते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, उन सब की गिरफ्तारी को किया जाएगा और सख्त कानून के तहत उनको जेल भेजा जाएगा। इस एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट में ये बहुत बड़ी ताकत मिली है इससे, जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं और संकट महामारी के समय उनके साथ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो लोग आइसोलेशन में हैं, जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, इन सब पर ये एक्ट कार्रवाई करेगा। तो ये बहुत बड़ा अध्यादेश है और बहुत स्वागत योग्य है। योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, इसके तहत गिरफ्तारी में 7 साल की सजा हो जाएगी और 5 लाख रुपया का जुर्माना होगा। तो ये हमारे जो कोरोना योद्धा है, जो आज इस संकट की घड़ी में रात दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा एक्ट और राज्य की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए स्वास्थ्य कर्मियों की और जो सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा के लिए फैसला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।